वेलकम बैक। आज की वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ एक ऑटोमेटिक हेयर कर्लर का रिव्यू। अगर आप मेरी तरह से हो जिससे स्ट्रेटनर से हेयर कर्ल नहीं होते हैं, टोंग से भी नहीं होते हैं, सो फाइनली मैंने एक ऑटोमेटिक हेयर कर्लर परचेज किया है। इसे परचेज किए हुए मुझे अराउंड 1 मंथ हो चुका है। मैंने कुछ यूज वूज करके देख लिया है कि ये कैसे यूज होता है। एकदम परफेक्ट है, बहुत अच्छा है। अगर आप मेरी तरह से हो जिससे कर्ल करना नहीं आता है कैसे भी, और कर्ल पसंद है या आपको कर्ल आता भी है ना, तो भी आपका काम बहुत ईजी कर देता है। ये मुझे पर्सनली बहुत ज्यादा पसंद आया। सो गाइस, वीडियो में मैं सबसे पहले आपको प्रोडक्ट दिखाऊंगी जो मेरा ऑटोमेटिक हेयर कर्लर है, कर्लर दिखाऊंगी, इसके फीचर्स बताऊंगी, प्रोज एंड कॉन्स बताऊंगी, लास्ट में इसका डेमो दे दूंगी एंड दैट्स इट। ये 5 चीज रहेगी वीडियो में, मैं पहले ही क्लियर कर दूं जैसे आपको समझने में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट से, लाइक कि दिखता कैसा है। ये ऐसे बॉक्स में आता है, काफी मुझे पर्सनली इसकी पैकेजिंग अच्छी लगी, बिल्कुल भी टूटी फूटी फटे हुए में नहीं आया है। एंड और एक बेस्ट चीज ये है कि पीछे में यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए हुए हैं। ये मुझे काफी अच्छा लगा कि पीछे में पूरी अच्छे से इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है, तो अगर फर्स्ट टाइम यूज कर रहा है तो वो इस इंस्ट्रक्शन को पढ़ के आराम से यूज कर सकता है। एंड बाय द वे, जो मैंने ब्रांड लिया है वो है आपका परफेक्ट कर्ल। बहुत सारे आपको ये सेम कलर मिलते हैं अलग अलग ब्रांड्स में, बट इस पर्टिकुलर ब्रांड के रिव्यू सबसे ज्यादा अच्छे थे। एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय एनीबॉडी, जस्ट मैं आपको बता रही हूँ इसके रिव्यूज अच्छे थे। एंड अंदर में साथ में आपको ऐसे इंस्ट्रक्शन के लिए दिया हुआ है। काफी क्लासी लुकिंग है, आप देखोगे इसको। और एक अच्छी चीज ये है कि इसका जो इसका वायर है ये भी काफी बड़ा वायर है, तो आपको प्रॉब्लम नहीं होगी यूज करने में इसको। एंड इसके जो हाथ में जो आप लेते हो, इट्स काइंड ऑफ हैवी, मतलब नॉट बहुत हैवी कि आप जब कर्ल करो आपके हाथों में दर्द होने लगे। आई मीन टू से इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी इज एक्चुअली गुड। एंड जो भी मैंने इसका प्राइस पे किया मैं स्क्रीन पर डाल दूंगी, बिकॉज मुझे अभी याद नहीं है, मुझे 1 मंथ हो चुका है इसे लिए हुए। सो गाइज, अब बात कर लेते हैं प्रोडक्ट के फीचर्स की, फिर हम बात करेंगे प्रोज एंड कॉन्स। फीचर्स जो है, यहाँ पे आपको पूरी तरह से बटन्स दिए हुए हैं, एज यू कैन सी। इसमें हीट सेटिंग भी है, जो आपको मोस्टली एक्सपेंसिव 6-7 thousand के कलर्स और स्ट्रेटनर भी परचेज करते हो ना, उसमें भी आपको हीट सेटिंग नहीं मिलती है। मुझे सबसे ज्यादा पसंद है हीट सेटिंग वाले, बिकॉज बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके थोड़े फाइन हेयर्स होते हैं, मेरे खुद के थोड़े फाइन हेयर्स है, बहुत सारे लोगों के बेबी फाइन हेयर्स होते हैं, तो वो अगर हाई हीट पे करते हैं उनके बाल जल जाते हैं और बाल खराब होने का चांसेस सबसे ज्यादा रहता है। तो जिनके भी फाइन हेयर्स या बेबी फाइन हेयर्स है, तो वो अपने अकॉर्डिंगली हीट सेट कर सकते हैं। लाइक अगर किसी की थोड़े थिक हेयर्स है तो वो फुल पे कर ले, जैसे मेरे बाल है लाइक फाइन हेयर्स है तो मैं मीडियम पे कर सकती हूँ। जिनके बेबी फाइन हेयर्स है वो एकदम लो पे भी करके करें तो उनका हेयर अच्छे से कर्ल होगा और डैमेज भी नहीं होगा। ये मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया इसमें। सो मैं अब आपको बता देती हूँ जो 3 बटन है उसका क्या काम है। पहले में यहाँ पर दिया हुआ है RLA, इट मीन्स आपको इसे दिखेगा नहीं, अंदर की तरफ है, मैं कैमरे पर दिखाऊंगी भी तो शायद नहीं दिखेगा, यहाँ पर लिखा हुआ है, आप जब देखोगे तो दिख जाएगा। यहाँ पे लिखा है RLA, इट मीन्स राइट लेफ्ट ऑटो। आपको कर्ल राइट साइड में चाहिए, लेफ्ट साइड में चाहिए, आप वो सेट कर सकते हो। राइट साइड कर दोगे तो आपके सारे कर्ल्स राइट साइड में जाएंगे, लेफ्ट कर दोगे तो सारे कर्ल्स लेफ्ट साइड में जाएंगे, ऑटो कर दोगे तो मशीन अपने हिसाब से लेफ्ट राइट करते रहेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे बीप की सेटिंग, जो है यहाँ पे 0, 8, 10, 12। अगर आपको बहुत सॉफ्ट कर्ल चाहिए, एकदम बस हल्के से बीची कर्ल्स, एकदम थोड़े से, तो आप 0 बीप पे रखो। जैसे आप कर्ल निकालोगे वो एकदम हल्के हल्के से कर्ल रहेंगे। फिर है 8, आपको हल्के टाइट कर्ल चाहिए, लाइक प्रॉपर हल्का सा कर्ल चाहिए, तो आप 8 बीप पे रख लो। जब आप बंद करोगे तो बीप होगी, मैं अभी आपको दिखाऊंगी डेमो में, आप देख लोगे 8 बीप्स होगी तो आपके कर्ल थोड़े अच्छे बनेंगे। अगर आप 10 बीप्स पे रखोगे तो ज्यादा अच्छे बनेंगे, 12 पे रखोगे तो एकदम टाइट कर्ल्स बनेंगे। आप समझ गए मैं क्या बोल रही हूँ, जो कर्ल की क्वालिटी है डिपेंड करता है वो कितना बीप रखना है। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका टेम्परेचर सेटिंग 1, 2, 3। आपको बहुत लो हीट चाहिए, जैसे मैंने स्टार्टिंग में बता दिया था कि फाइन हेयर है, बेबी फाइन हेयर है कि थिक हेयर है, उसके अकॉर्डिंगली आप कर सकते हो। अगर आपकी थिक हेयर है तो आप फुल पे कर लो, एकदम बहुत अच्छे से गर्म हो जाएगा, ज्यादा गर्म होगा। आपको मीडियम हीट चाहिए तो 2 पे कर लो, अगर आपकी बेबी फाइन हेयर है, लो हीट चाहिए तो आप 1 पे कर लो। तो ये हो गई बात इस प्रोडक्ट के फीचर्स की। ओके, नाउ लेट्स टॉक अबाउट प्रोस एंड कॉन्स, इसके क्या क्या प्रोस है, क्या क्या कॉन्स है। तो प्रोस में आता है सबसे पहले कि ये ऑटोमेटिक है, आपको अगर नहीं आता है, आप मेरी तरह से हो, बहुत इजीली आपके कर्ल्स कर देगा। आपको टाइट कर्ल चाहिए, लूज कर्ल चाहिए, बीची वेव्स चाहिए, सारे ही कर्ल्स आपको एक ही मशीन के साथ इजीली मिल जाते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। एंड प्रो नंबर 2 है कि इसकी जो क्वालिटी है, बिल्ड क्वालिटी भी अच्छी है, जो अंदर प्लेटिंग दिया हुआ है ना, जो सिरेमिक प्लेटिंग है वो भी काफी अच्छी है, तो हेयर को उतना डैमेज नहीं करता है।
सेकेंड ये मुझे इसमें अच्छा लगा। थर्ड मुझे इसका प्राइस मुझे याद नहीं है बट समवेयर अराउंड 1200-1300 मैंने इसका पे किया था, क्योंकि अकॉर्डिंग टू मी ये थोड़ा सा बजट फ्रेंडली है, बहुत एक्सपेंसिव नहीं है, तो मुझे प्राइस वाइज भी ये अच्छा लगा। एंड फोर्थ मुझे इसका प्रो लगा कि इसमें सेटिंग दिया हुआ है, हीट सेटिंग है, आप इसको हीट कम ज्यादा कर सकते हो। बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है टूल्स जो आते हैं उनमें भी हीट सेटिंग नहीं देता है, इसमें 3 हीट सेटिंग है, ये मुझे सबसे ज्यादा अच्छा लगा। और एक चीज जो मुझे इसमें सबसे ज्यादा पसंद आई कि एक ही कर्लर से आपको हर एक तरीके का कर्ल मिल जाएगा, लाइक एक से ही आपको बीची वेव मिल जाएंगे, टाइट कर्ल्स मिल जाएंगे, नॉर्मल कर्ल्स मिल जाएंगे, आपको जो जैसा पसंद हो आप वो ले सकते हो। लास्ट वर्ड नॉट द लीस्ट जो मुझे इसमें सबसे ज्यादा पसंद आई वो है इसका लुक। लुक भी बिल्कुल चीप और घटिया नहीं है, काफी एक्सपेंसिव और नाइस लुकिंग है, आई लाइक इट, ये मुझे थोड़ा अच्छा लगा। मुझे जो चीज यूज करने की वो अच्छी दिखती है ना, थोड़ा अच्छा लगता है। सो यस, ये इसके प्रोस थे। अब बात करते हैं इसके कॉन्स की। मेरे तो क्या है, बहुत हैवी हेयर नहीं है, अगर आपके लॉन्ग थिक है, ऐसे थोड़े हैवी है ना आपके बाल, थोड़े घने बाल है, तो आपको इसके साथ थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकता है। प्रॉब्लम ये है कि आपको बहुत टाइम लग जाएगा इससे पूरे बाल को अगर आपको कर्ल करना है तो, बिकॉज इसके साथ ये है कि आप एक साथ में बहुत ज़्यादा चंक ऑफ हेयर नहीं ले सकते। आपको लिटरली, मैं आपको अभी डेमो में दिखाऊंगी, इतने इतने बाल भी नहीं, इतने इतने बाल के साथ आपको काम करना पड़ता है, काफी कम कम बाल लेने पड़ते हैं। लाइक मेरे ही बाल बहुत ज्यादा नहीं है तो ही मुझे थोड़ा टाइम लग रहा था इसके साथ कर्ल करने में। सो यस, यही इसका एक कोन था जो मुझे नहीं पसंद आया कि थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग है, ज्यादा टाइम ले लेता है, स्पेशली अगर आपकी लॉन्ग एंड थिक हेयर है तो आपको काफी टाइम लग जाएगा, 30 मिनट तक लग सकता है पूरा करने में, लाइक पूरे बालों को कर्ल करने में। पर मैंने देखा है नॉर्मली टोंग से भी करते हैं तो भी 20-25 मिनट लग जाता है बड़े बाल वालों को, मेरे जैसे बाल है तो 15 मिनट में आपका पूरा कर देगा। यस, ये एक चीज थी जो मुझे इसमें नहीं पसंद आई, बाकी पैकेजिंग वाइज, लुक वाइज, फीचर्स वाइज सब कुछ बहुत ही अच्छा है। अगर आप अपने लिए अच्छा ऑटोमेटिक कलर ढूंढ रहे थे, जो कि मैं रिसेंटली मार्केट में मैंने एक दूसरा और भी देखा है, वो बॉटल जैसा दिखता है कुछ, उसमें कर्ल कर लो, उसमें इतने सेटिंग्स नहीं है। इफ़ यू वांट मैं वो भी परचेज करके आपके लिए रिव्यू कर दूंगी, बट जितना भी मैंने और लोगों को देखा है उसमें उतनी सेटिंग्स नहीं है, आपको इतने सारे कर्ल्स नहीं मिलेंगे और वो उतना अच्छा भी मुझे पर्सनली नहीं लगा, स्पेशली इफ़ यू हैव लॉन्ग एंड थिक हेयर्स, ये बेस्ट है। शॉर्ट है, लॉन्ग है, मीडियम है, हर लेंथ के लिए परफेक्ट है। और जैसे भी आपकी रिक्वायरमेंट है, जैसे कर्ल चाहिए, मैंने पहले भी बोला हर तरीके का कर्ल मिल जाएगा, तो ये वाला पर्टिकुलर मुझे बहुत पसंद आया। एंड इफ यू वांट कि मैं उस छोटे वाले का भी रिव्यू करूं, कमेंट में मुझे बता देना। तो चलो अब मैं आपको इसका एक डेमो दिखा देती हूं। मैं आपको बता देती हूं कि मैंने इस कर्लर में अपने लिए क्या सेटिंग रखी है। तो जब मैं यहाँ पे कर्ल करूंगी, ये मेरा राइट साइड है, तो मुझे आउटवर्ड कर्ल चाहिए, मेरे फेस पे आउटवर्ड कर्ल्स ज्यादा सूट करते हैं, तो मैं इस पे राइट रखूंगी। अगर मैं अपने राइट साइड पे कर रही हूँ, लेफ्ट साइड पे करूंगी तो मैं लेफ्ट रखूंगी। एंड बीप्स की बात करूं तो मैं इसको 10 पे रख रही हूँ, 12 नहीं कर रही हूँ, 12 में बहुत टाइट कर्ल्स हो जाएंगे, मुझे टाइट चाहिए लेकिन बहुत टाइट नहीं चाहिए, तो मैं 10 पे रखूंगी। एंड हीट सेटिंग जो है वो मैं 2 पे रखूंगी, मैंने पहले एक्सप्लेन किया था, बेबी फाइन हेयर्स है तो एकदम लो सेटिंग रखो, मेरे जैसे बाल है नॉर्मल तो आप मीडियम सेटिंग कर लो, थोड़े थिक वॉल्यूमिनस हेयर है तो आप फुल पे कर लो, तो मैं मीडियम पे रखने वाली हूँ इसकी हीट सेटिंग को, और बीप्स को मैं रखूंगी 10 पे। एक चीज जो मैं आपको बताना ही भूल गई, विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कि यहाँ पे जो आप देख रहे हो ना, ये प्लेन साइड ये हमेशा बाहर की तरफ रहेगा, और ये जो अंदर का साइड पार्ट है, ये वाला पार्ट जो है, ये राउंड वाला, ये आपके हेड की तरफ रहेगा, ये आपकी तरफ रहेगा ऐसे, ये वाला कभी भी बाहर मत करना, बाल टैंगल हो जाएंगे। तो ये वाला जो प्लेन साइड है ये हमेशा बाहर रखना है, और ये वाला जो साइड है ये आपको हमेशा अंदर रखना है। और मेरे को जब मैं डेमो में दिखाऊंगी तो आप देख के समझ जाओगे। एंड ऑल्सो ये मेरा जब तक हीट हो रहा है, मैं आपको बता दूं कि अगर आपको पूरा कर्ल ऊपर से चाहिए तो आप ऊपर से बाल डालो, बीच से चाहिए तो आप बीच से ही बाल डालो, तो आप बाल उसके अंदर उतना ही तक डालो जितना तक आपको कर्ल चाहिए। किसी किसी को सिर्फ नीचे कर्ल चाहिए होता है, पूरे बालों में नहीं चाहिए होता है, तो अगर आपको पूरे बालों में कर्ल नहीं चाहिए, सिर्फ नीचे चाहिए, तो नीचे के ही बाल डालना, जितने दूर तक कर्ल चाहिए उतने ही बाल डालना। एंड कर्ल होने के बाद संग संग मत छेड़ना, बालों को थोड़ी देर छोड़ देना, जब ठंडे हो जाएंगे उसके बाद ही उन्हें छेड़ना। और तो अब मैं इसको कर्ल करना स्टार्ट करती हूँ। सो गाइज, एज यू कैन सी कि कर्ल्स जो है वो काफी अच्छे से बन रहे हैं, कर्लर परफेक्ट है एकदम।
कर्ल्स काफ़ी अच्छे बन रहे थे, तो उसी एक्साइटमेंट में मैंने एक छोटी सी गलती कर दी, जो मैंने वीडियो में आगे आप लोगों को बोला था पहले कि कर्ल करने के बाद आप लोगों को कुछ देर वेट करना होगा, एटलीस्ट 5 मिनट कर्ल्स को ठंडे होने का, उसके बाद ही छेड़ना, नहीं तो ये कर्ल्स ख़राब हो जाएंगे। एंड एक्साइटमेंट में मैंने खुद ही ये गलती कर दी, कर्ल्स इतने सुंदर बन रहे थे कि मैं काफ़ी एक्साइटेड हो गई, एंड गर्म कर्ल्स को ही मैंने छेड़ दिया, तो थोड़े से मेरे कर्ल्स जो है वो ख़राब हुए हैं, लाइक थोड़े से ख़राब हुए, ज़्यादा ख़राब नहीं हुए हैं, ये मेरी मिस्टेक है, मैंने मैसअप किया है। राइट साइड में हल्का सा मैंने मैसअप कर दिया है, तो लेफ्ट साइड में एक या दो कर्ल बना के मैं आपको और दिखा दूंगी, जैसे आप अच्छे से देख लो। डेमो आपने देख लिया, एंड आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया हो, आपके लिए हेल्पफुल रहा। अगर वीडियो पसंद आया है देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर माय चैनल। बाय, सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।